गुजरात विधानसभा के दूसरे फेज के लिए सोमवार को मतदान खत्म हो गया है। दूसरे फेज में दोपहर 3 बजे तक करीब 51% मतदान हुआ था। बता दें कि 182 सदस्य गुजरात विधानसभा के लिए दो चरण में मतदान हुआ है। गुवाहाटी में वशिष्ठ अमृत नगर नेपाली बस्ती इलाके में आग लग गई। आग में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने कहा कि दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में जर्मन की विदेश मंत्री अन्ना लेना बेयरबॉक से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के अलावा दिन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की, जिसमें यूक्रेन में संघर्ष, हिंद प्रशांत सामरिक की स्थिति शामिल रही। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। विधानसभा सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। प्रतीक्षा करें और देखें कि विपक्ष इससे पहले और बाद में क्या करता है। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की तैयारी को लेकर बैठक की। इस बैठक में आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी, DDP प्रमुख और पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखें अब जल्द ही घोषित हो जाएंगे। जिस आरक्षण के फॉर्मूले का इंतजार किया जा रहा था, वह जारी कर दिया गया है। 17 नगर निगम में मेयर पद के लिए 8 सीटों को अनारक्षित रखा गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए 3 सीट रिजर्व की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि वर्ष 2018 में संपन्न पंचायत चुनाव का बहिष्कार करना बड़ी गलती थी और पार्टी को भविष्य में जम्मू कश्मीर के हर चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विवादित बोल बोलते हुए कहा कि वह सेना और सरकार से कहना चाहते हैं कि चुनाव में दखल ना दे, नहीं तो ऐसा तूफान आएगा जिसे आप काबू नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में एक नया प्रयोग देखने को मिल सकता है। सोमवार को मुंबई के ग्रांड हयात होटल में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन अघाड़ी दल के नेता प्रकाश आंबेडकर के बीच बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट स्वर्गीय मुलायम सिंह अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की आय से अधिक संपत्ति मामले पर अगले महीने जनवरी में सुनवाई करेगा। सोमवार को CBI ने कहा कि उसने सबूतों के अभाव में 2013 में जांच बंद कर दी थी। ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन अब एक अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। खबर है कि ईरान में मॉरल पुलिस यानी नैतिकता पुलिस की यूनिटों को भंग करने का फैसला किया गया है। इस पुलिस का काम इस्लामिक ड्रेस कोड लागू करना था, जिसे हिजाब भी शामिल है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक देश के अटॉर्नी जनरल ने यह जानकारी दी है। एक बार फिर अमेजन की ओर से छटनी की बड़ी संख्या में छटनी की खबर आ रही है। अमेजन अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में से करीब 20,000 लोगों की छटनी कर सकती है। इस छटनी से ग्रेड 1 से ग्रेड 7 यानी सभी लेवल के एम्प्लॉयज प्रभावित होंगे। कई कंपनियां अपने फैक्ट्री या कंपनी में सब्सिडी पर कैंटीन फैसिलिटी उपलब्ध कराती है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में कर्मचारियों से वसूले जाने वाले इस रकम पर कंपनियों को GST का भुगतान करना पड़े। GST अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के उत्तराखंड बेंच ने एक इंजीनियरिंग कंपनी के मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण पर एक बार फिर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने रुपए, भोजन या दवाई का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों को गलत बताते हुए कहा, जो गरीब और जरूरतमंद की मदद करना चाहता है जरूर करे, लेकिन इसका मकसद धर्म परिवर्तन करवाना नहीं हो सकता। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का सिंगापुर में सोमवार को सफल ऑपरेशन हुआ। सबसे पहले रोहिणी का ऑपरेशन किया गया, इसके बाद लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन हुआ। केरल सरकार के कुटुंब श्री मिशन ने ऐसी खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि संपत्ति में महिलाओं के समान अधिकार की मांग वाले संकल्प को उनसे वापस ले लिया है। कुछ मुस्लिम संगठन राज्य सरकार के इस मिशन का विरोध कर रहे हैं।